नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में गोदावरी नदी के किनारे बसा एक प्राचीन शहर है। ये शहर महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, पुणे और नागपुर के बाद चौथा सबसे बड़ा शहर है, जिसे भारत की शराब की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। देश में हर साल करीब 20 मिलियन लीटर वाइन का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से आंधी यानी 10 मिलियन लीटर वाइन नासिक में ही बनाई जाती है। यह शहर गुरु के बाग, बगीचे और यहाँ की वाइन दोनों के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ की वाइन जापान, खाड़ी देशों और यूरोप में भी काफी फेमस है। दोस्तों, लगभग 15,582 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला नासिक देश का चौथा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर माना जाता है। नासिक एक पवित्र और धार्मिक शहर है, जो अपने भव्य मंदिरों, प्राचीन किलों, खूबसूरत चरणों और प्राकृतिक मनमोहक दृश्य के लिए जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर और पुणे से करीब 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ना सिर्फ भारत का एक सुंदर शहर है, इस सुंदर शहर की जनसंख्या साल 2011 की जनगणना के अनुसार 61 लाख के लगभग है, जिसमें 54% पुरुष और 46% महिलाएं हैं और शहर की औसत साक्षरता दर 74% है। फ्रैंक नासिक शहर को मराठी भाषा में नासिक नाम से संबोधित करते हैं। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक सुंदर और पवित्र नगरी है। गोदावरी नदी को दूरी गंगा, अमृत गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्राचीन शहर है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शहर की भूमि ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास के दौरान आश्रय प्रदान किया था। इसके अलावा नासिक भारत के उन 4 स्थानों में भी शामिल है जहां प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। नासिक में लगने वाला कुंभ मेला हर 12 साल बाद आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश से हजारों साधु व श्रद्धालु राम कुंड पर स्नान करने आते हैं, जिसे यहाँ सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, जो इस शहर के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों, इनके अलावा नासिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ उच्च शिक्षा हेतु अनेक महाविद्यालयों एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है। दोस्तों, इतना खूबसूरत यह शहर है, वैसा ही इसका इतिहास भी है। नासिक शक्तिशाली सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी था। मुगल काल के दौरान नासिक शहर को कुशलबाग के नाम से जाना जाता था। नासिक जिले का इतिहास मराठा काल के स्वर्णिम इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस शहर ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, नासिक एक धार्मिक शहर होने के कारण इसे तीर्थ स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ स्थित बागेश्वर तीर्थ स्थल गई की महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। इसकी खासियत यह है, यहाँ के दिन में 3 देवता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रूप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ कई सारे मंदिर हैं, जिनके दर्शन करने भक्त पहुँचते हैं। नासिक महाराष्ट्र का प्रमुख शहर है, जिसके कारण यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ने शहर में कई सारे खूबसूरत दर्शनीय व धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जो पर्यटकों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। यही प्रमुख कारण है कि नासिक को एक तीर्थ शहर माना जाता है। यहाँ स्थित रामकुंड नासिक गाय पवित्र और धार्मिक सरोवर है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर्यटकों का हमेशा भीड़ लगी रहती है। रामकुंड नासिक का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी स्थान पर भगवान राम स्नान किया करते थे। ये भी कहा जाता है कि इस कुंभ में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नासिक शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंजनी हिल्स नासिक के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसे नासिक गाय एक पवित्र स्थान माना जाता है। यह बात स्थान है जहां अंजना देवी ने भगवान हनुमान को जन्म दिए थे, इसीलिए इस स्थान को देवी अंजना के नाम पर रखा गया है। गुफा के अंदर भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर है। साथ ही हरी भरी पहाड़ियों के मनोरम दृश्य विशेष रूप से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, तथा नासिक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पानी क्लिनिक गुफाओं 24 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है, जो 250 BC से 300 AD तक की है। यह बौद्ध गुफाएं ज्ञान बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करता है। पहलवानी गुफाओं को दृष्टि को फाइल के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग शांत जगह की तलाश में है, उनके लिए यह स्थान एक स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। ट्रेंड इनके अलावा भी नासिक में कई सारे दर्शनीय स्थल मौजूद है, जैसे सीता गुफा, काला राम मंदिर, सुना भाई यार मुक्तिधाम मंदिर, सोमेश्वर जलप्रपात, खूबसूरत उग्रवादी जलप्रपात आदि है। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।